यूनिट वन हमने स्टार्ट करी रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, और इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, फिर हमने पढ़ा केमिस्ट्री शब्द कहां से आया, कीमिया से आया, फिर हमने पढ़ा फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, लेवाइजर, ठीक है, या लेवोशिए कहते हैं, और ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, बर्जीलियस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पदार्थ की परिभाषा, और फिर पढ़ा पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण दो तरीके से हो सकता है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ मुख्य रूप से दो तरह का, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। मिश्रण दो तरह के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ फिर दोबारा से दो तरह के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व तीन तरह के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, और यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। हमने अभी सिर्फ भौतिक वर्गीकरण डिस्कस किया है डिटेल में, यहां से हमने स्टार्ट किया पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण। इस आधार पर बताया कि पदार्थ मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, ठोस अवस्था उसके बारे में पढ़ा, द्रव अवस्था के बारे में पढ़ा, और गैस अवस्था के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा एक नोट में कि पदार्थ की दो नई अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये साधारण ताप पर नहीं पाई जाती। फिर हमने पढ़ा गैस तथा वाष्प में क्या अंतर होता है, गैस तथा वाष्प के अंतर के बाद हमने द्रव्य की अवस्थाओं में अंतः परिवर्तन को डिस्कस किया। छह तरह की हमने यहाँ क्रियाएं पढ़ी हैं, ठीक है बेटे।